बुक्स एंड ऑथर, जनवरी से अप्रैल। कस्तूरी रे का किताब आया है, द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल। कैसे भारत के एक आम महिला ट्राइबल हिंडरलैंड से निकलते हैं, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से, उड़ीसा से, और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचते हैं। उनकी पूरा जर्नी को लिखा गया है इस किताब में। इस किताब को रिलीज किए हैं उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। रूपी कौर कानाडियन सिख पॉइट है। इनका किताब आपके 11 मोस्ट बैंड बुक्स यूएस, जो यूएस में अभी हुआ है, उनमें से एक है। किताब का नाम है मिल्क एंड हनी। इसमें सेक्सुअल असल्ट एंड वायलेंस के बारे में लिखा गया है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसके फॉर्मर सीईओ आपके अमिताभ कांत किताब लिखे हैं मेड इन इंडिया, 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। शशि शेखर वेम्पति, जो कि प्रसार भारती के सीईओ हैं, उनका किताब आया है मन की बात, कलेक्टिव स्पिरिट एंड कॉन्क्रीट एक्शन। इस किताब को भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लॉन्च किए हैं। नारायण भागुल का किताब आया है रिफ्लेक्शंस। इस किताब को रिलीज किए भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किताब रिलीज किया है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। इस किताब को सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने ऑथर किया है। अमिताभ घोष, जिनको 2019 में भारत के सबसे बड़े लिटरेचर अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, उनका किताब आया है स्मोक एंड आशेस, ए राइटर जर्नी थ्रू ओपियम हिडन हिस्ट्रीज। जयदीप मुखर्जिया रिनाउंड टेनिस प्लेयर हैं, उनका खुद का ऑटोबायोग्राफी रिलीज किए हैं क्रॉस कोर्ट, क्योंकि टेनिस कोर्ट में होता है। बोरिया मजुमदार, जो कि आपके रिनाउंड स्पोर्ट्स हिस्टोरियन है, पॉपुलर टीवी होस्ट भी हैं, उनका किताब रिलीज हुआ है आपका सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। ये सचिन तेंदुलकर के बारे में वो बायोग्राफी लिखे हैं, और सचिन तेंदुलकर के जो 50वीं जन्मदिवस है उस पर इसको लॉन्च किया गया है। खुद सचिन तेंदुलकर इसको लॉन्च किए हैं। स्टेट बैंक ने किताब लॉन्च किया है द बैंकर टू एवरी इंडियन। आज़ादी के 75 साल को सेलिब्रेट करते हुए इस किताब को रिलीज किया गया है, और SBI का टेगलाइन भी द बैंकर टू एवरी इंडियन। पिट्टाभिराम और सब्यसाची दास किताब लिखे हैं द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPA स्कैम्स एंड फ्यूचर रेगुलेशन। इसमें भारत में बड़े बड़े 11 बैंकिंग स्कैम के ऊपर ये किताब लिखा गया है। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, इस किताब को लिखे हैं पीयूष बाबाले। पीयूष बाबाले करेंटली मध्य प्रदेश मीडिया डिपार्टमेंट के, जो कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड हैं पीयूष बावले। इस किताब को रिलीज करने के लिए कमलनाथ कांग्रेस के लीडर और शशि थरूर दोनों ही पहुंचे थे। कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन एम्पायर, इस किताब को लिखे हैं नंदिनी दास। नंदिनी दास प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर के यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। फिफ्टी सेकेंड सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये मीटिंग भी वहीं पे हुआ था, उसमें किताब रिलीज किया गया है वार एंड ओमेन। इस किताब को लिखे हैं डॉक्टर M.A. हसन। इस किताब में लिखा गया है
कैसे बंगाली महिलाओं के साथ 1971 के वार में पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बर्बरता किया गया था, उसके बारे में किताब है। बानी त्रिपाठी टिक्कू, जो कि एक इंडियन एक्टर है और मेंबर है इंडियन सेंसर बोर्ड के, उनका किताब आया है व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड। इस किताब को रिलीज करने के लिए भारत के वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी और परेश रावल पहुंचे थे, जो कि महान एक्टर है। इस किताब में एक 2.5 ईयर के लड़की जिनका नाम है अक्कू, वो कैसे इमेजिन कर रहे हैं कि एलिफेंट क्यों रेड नहीं हो सकते, उसके बारे में किताब है। इंग्लिश ट्रांसलेशन है नेपाली नोबेल आपका फुलांगे, ये रिलीज हुआ है। इस किताब को लिखे हैं लेखनाथ छेत्री। बासु चाटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, ये बासु चाटर्जी के बारे में आपके बायोग्राफी है। इस किताब को लिखे हैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी। वेटरन इंडियन फिल्म मेकर रह चुके हैं बासु चाटर्जी। पेरुमल मुरुगन के नोबेल पायरे, ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, नॉमिनेटेड हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। ओरिजिनली इसको तमिल भाषा में लिखा गया है पुकुली, और इसको इंग्लिश का इंग्लिश ट्रांसलेशन है पायरे। ये 2023 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए लिस्टेड हुआ है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं, फिलहाल तो कांग्रेस में नहीं है। उनका ऑटोबायोग्राफी आया है आजाद, ये जम्मू कश्मीर के आपके चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। श्रीमंत कोकोटे, इनका किताब आया है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज, इसको ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में आपके दिलीप चौहान। अनुराग बहर, जो कि सीईओ है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के और वाइस चांसलर है अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के, एजुकेशन के ऊपर एक किताब लिखे हैं ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। श्री राजीव मल्होत्रा और मिस विजया विश्वनाथ, किताब लिखी है स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो हमारे सांख्यिकी मंत्रालय है जिसके मिनिस्टर है राव इंद्रजीत सिंह, उनका किताब आया है वुमेन एंड मेन्स इन इंडिया 2022। कौन से प्लेसेस में महिला और पुरुषों का कितना पार्टिसिपेशन है, इस किताब के बारे में इस किताब में लिखा गया है। रचना विश्वत रावत, किताब लिखे हैं बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत, इनका एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गया था आपका, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, जो भारत के प्रथम CDS थे। अपने वाइफ मधुलिका रावत भी उनके साथ थे, उसमें उनका मृत्यु हो गया था। तो इस किताब को लिखे हैं रचना विश्वत रावत और इस किताब को रिलीज किए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। पी ज्योतिमणि, फॉर्मर जज है मद्रास हाईकोर्ट के, किताब लिखे हैं इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयर। के एम चंद्रशेखर, कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं 2007 से 2011 तक, अपना यूपीए के दौरान यूपीए के टाइम पे इनका ब्यूरोक्रेसी कैसे था, इंडियन पॉलिटिक्स कैसे था, उसके बारे में किताब लिखा गया है एज गुड एज माई वर्ड। डॉक्टर करण सिंह, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किताब लिखे हैं मुंडक्या उपनिषद, ये है करण सिंह, मुंडक्या उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, इस किताब को रिलीज किए भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। एक किताब लिखा गया है अभय कुमार, इंडियन पोएट और डिप्लोमेट है, किताब का नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, अभय कुमार।